अब तक आपने सोशल मीडिया मीम्स पर कई बार सुना होगा कि भारत की 3-4 बड़ी कंपनियां मिलकर पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती हैं, या फिर भारत की 150 करोड़ की जनता अगर 10-10 रुपए जमा करे तो पूरे पाकिस्तान को खरीदा जा सकता है। लेकिन अब यह कहावत सच हो चुकी है, क्योंकि भारत की इकलौती कंपनी टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को अपने सामने बौना साबित कर दिया है। तारीख में टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 365 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में टाटा ग्रुप की कीमत 365 अरब डॉलर की है। लेकिन अगर इसके सामने हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को जज करें तो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी लगभग 341 अरब डॉलर ही है। यानी टाटा ग्रुप ने पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी इकोनॉमी बद से बदतर हालत में पहुंच चुकी है, जिसे केवल भारत की एक कंपनी ने अपने पीछे छोड़ दिया है। अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की ही एक और कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की, तो उसकी वैल्यू 15 लाख करोड़ रुपए यानी 170 अरब डॉलर की है। यह न केवल भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लगभग आधे आकार की भी है। टाटा ग्रुप की शानदार मार्केट वैल्यू में ही बढ़ोतरी में उनकी अलग अलग लिस्टेड कंपनीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। टाटा मोटर्स और टाटा ट्रेंड ने पिछले एक साल में शानदार रिटर्न दिए हैं। ऐसी ही तेजी टाइटन, टीसीएस और टाटा पावर में भी रही है। हाल ही में लिस्ट हुई टाटा टेक्नोलॉजी सहित 8 टाटा कंपनियों ने पिछले 12 महीनों में अपनी वैल्यू दोगुनी कर ली है। हालांकि टाटा केमिकल्स टाटा ग्रुप की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी वैल्यू में गिरावट आई है। ये तो बात हुई टाटा ग्रुप की तरक्की की, अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बदहाली की। कैसे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त गंभीर क्राइसिस से गुजर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पाकिस्तान की जीडीपी 6.1% बढ़ी थी, और उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये ग्रोथ 5.8% की थी। लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफी गिरावट आने वाली है। भ्रष्टाचार, अनस्टेबल सरकार और सबसे इंपॉर्टेंट आतंकवाद ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है, और फिर पिछले साल आई बाढ़ ने पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा पतली कर दी। माना जा रहा है कि उस बाढ़ ने पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान किया। इसके अलावा पाकिस्तान पर 125 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इसमें से 25 अरब डॉलर विदेशी कर्ज की देनदारी उसके सामने इसी साल आने वाले जुलाई महीने में खड़ी है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व केवल 8 अरब डॉलर रह गया है। लेकिन हाल है पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। 60 के दशक में पाकिस्तान की हालत बहुत अच्छी थी, उसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही थी। यही नहीं, एग्रीकल्चर के मामले में भी पाकिस्तान काफी तरक्की कर रहा था। लेकिन फिर आया 70 का दशक। 1971 की शुरुआत में पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम शुरू कर दिया, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह हुआ, और उसके बाद भारत के इंटरवेंशन के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ, यानी पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट गया। यही वो युद्ध था जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। 90,000 से ज्यादा सैनिक भारतीय सेना के बंधक थे, इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो चुकी थी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का ग्राफ दिन ब दिन नीचे चला गया। हालत अब यह है कि पाकिस्तानी लोग अब आटा, दाल, चावल, तेल जैसे जरूरी आइटम्स भी खरीद नहीं सकते। पूरे देश के किसी भी शहर में आए दिन बिजली जाती रहती है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। कुल मिलाकर आम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बुरी हालत से गुजर रहा है। खैर, कोई और दोष देने के लिए हो ना हो, लेकिन पाकिस्तानी खुद को इसके लिए जरूर दोष दे सकते हैं। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आम पाकिस्तानी चाहे तो वो अपने देश की हालत सुधार सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है आतंकवाद से कोसों की दूरी बनाई जाए, अपने देश में एक स्टेबल सरकार लाई जाए, और उसके बाद ही अपनी इकोनॉमी को अच्छा किया जाए। खैर, पाकिस्तानी ये करेंगे या नहीं करेंगे ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाल ही में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद फिर से पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिलने की वजह से, पाकिस्तानी सेना के इलेक्शन में मेडल करने की वजह से कोई भी क्लियर मैंडेट नहीं आ पाया है। मैं हूं पारस कोठारी, और ऐसे ही ट्रेंडिंग खबरें और उनका एनालिसिस जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।